Hey guys, this is Aman. Welcome back to my channel. और आज हम आपके लिए लेके आए एक नया टॉपिक. जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का. हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडियन टीवी एड्स के बारे में, जो कि इतनी इररिलेवेंट होती हैं, और इतनी इरिटेटिंग होती हैं कि कोई मतलब या कोई चीज समझ नहीं आती. रोल द इंट्रो. इंडियन टीवी एड्स, तो इतनी इररिलेवेंट चीज को हम देखते क्यों हैं और ये टीवी भी इतनी देर चलती क्यों है हमारे लिए, मगर हमें ही बेवकूफ बनाया जाता है, कभी फेयर एंड लवली के नाम पे, कभी थम्स अप के नाम पे, कभी बॉर्नविटा के नाम पे. तो इन चीजों को देख देख के दिमाग का दही हो चुका है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या समझाना चाहते हैं, ये बेचना क्या चाहते हैं. बताते कुछ हो रहे हैं, बेचते कुछ हो रहे हैं, होता कुछ हो रहा है और वो करता कुछ हो रहा है. तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ एक ही चीज बनाते हैं, वो है गधा, जो कि लोग बन जाते हैं और साथ ही साथ च्यवनप्राश खा के सीधा स्वर्ग ही जाने के लिए होते हैं. तो च्यवनप्राश खा के कोई स्वर्ग कैसे जा सकता है, ये तो एड्स वाले ही बताएंगे. अरे मेरी बात मान, लड़का अच्छा है. पहले मैं जॉब करना चाहती हूँ. पर उसके पास है ना अच्छा जॉब, ओन हाउस, वेल सेटल्ड है. पर डैड, परफेक्ट मैच है बेटा, ऐसा रिश्ता रोज नहीं आता. मे बी डैड सही कह रहे हैं. सही कह रहे हैं. तू शादी के लिए तैयार हो जा. क्या है सही डैड, आप सही कह रहे हैं, शादी कर लूंगी. सुना बेटा, पर 3 साल बाद. 3 साल? उसके जैसा अच्छा जॉब, ओन हाउस, वेल सेटल्ड, इसके लिए मुझे 3 साल लग जाएंगे ना, तब बनेगा ना परफेक्ट मैच. इक्वल इक्वल. अरे पर कहाँ छुपी थी अब तक. फेयर एंड लवली, फेयरनेस ट्रीटमेंट जैसा निखार. तो गाइस, फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सदियों से बिक रहा है. सदियों से आए इन द सेंस कि कम से कम जहां तक मुझे याद है तो 20-25 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ कि वो ऐसे बिक रहा है कि जैसे लोगों को फेयर एंड लवली लगाना नहीं, खाना पसंद है. और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि फेयर एंड लवली की एड में ये बताया जाता है कि सांवली लड़की को ना ही कोई भाव देता है, ना ही घर वाले सुनते हैं, ना ही कोई लड़का सेट होता है, मगर अगर लड़की गोरी हो, टैलेंट हो ना हो, उसको जॉब मिल जाती है, घर वाले उसकी बात सुनते हैं, मतलब कि सांवले बच्चे चुतिए हैं. मुझे इस चीज का कोई तुक समझ नहीं आया. और साथ ही साथ ये जितने भी सेलिब्रिटीज, जितने भी ब्रांड यूज करते हैं, चलो ब्रांड की तो बाद में बात करते हैं, जितनी भी सेलिब्रिटीज ने फेयर एंड लवली की ऐड की है, क्या ये कभी फेयर एंड लवली यूज करती है? मैं नहीं बताऊंगा. मुझे नहीं लगता, इनके पास तो करोड़ों रुपए हैं और ये लाखों रुपए वाले सलून में जाते हैं या ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, मगर ये फेयर एंड लवली यूज नहीं करते. क्यों? क्योंकि वो तो लोगों को चुतिया बनाने के लिए रखी हुई है. बाकी आपको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. जाओ धोते जा, धोते जा. बंटी, तेरा साबुन स्लो है क्या? क्या बंटी तो चूतिया है. तो गाइस, बात करेंगे लाइफ बॉय के बारे में. लाइफ बॉय है जहाँ, तंदुरुस्ती है वहाँ, मगर तंदुरुस्ती बंदुरुस्ती को छोड़ो, जब से लाइफ बॉय को देख रहे हैं तब से ये टट्टी धोने का साबुन ही रह गया है. जब भी आप किसी के भी घर में जाएंगे, जब भी आप उनके बाथरूम से निकलेंगे तो आपको बाहर लाइफ बॉय पड़ा हुआ मिलेगा, मगर मुंह धोने के लिए नहीं. इतनी ऐड करने के बाद भी अगर प्रोडक्ट उठ नहीं रहा तो सीधा सीधा उसको टट्टी धोने वाला साबुन कह के बेच दो. मगर नहीं, ये वैसा नहीं करेंगे, ये बोलेंगे बंटी चूतिया है, बंटी स्लो है, बंटी ये है, बंटी वो. भाई बंटी का कोई कसूर नहीं है, ये साबुन चूतिया है. सर ये तो टट्टी है. क्या आपके मसूड़ों में तकलीफ है? हाँ. क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? टूथपेस्ट में नमक नहीं है, तो डाल लीजिए. मसूड़ों में तकलीफ? हाँ. क्या आपके टूथपेस्ट में नमक के साथ डीप क्लीन एहसास है? डीप क्लीन एहसास? डीप क्लीन एहसास नहीं है, तो ये भी डाल लीजिए. खून
मसूड़ों से घूम पायरिया क्या आपके टूथपेस्ट में नमक और नीम है? नमक और नीम नहीं है, मगर एक काम करो, उसमें प्याज डालो, लहसुन डालो, नमक डालो और साथ ही साथ जितने भी मसाले हैं वो भी डालो, उसको अच्छी तरह से भून के उसी का पेस्ट कर लो ना, बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। साला पेस्ट बेच रहे हो कि सब्जी की रेसिपी दे रहे हो? समझ में नहीं आ रहा क्या दिए जा रहे हो? पेस्ट है, ये है, वो है, सीधा बोलो ना भाई ये है कि क्या बेचना है। मगर नहीं, उसको इतना घुमाना है कि घुमाते घुमाते बंदा खुद कंफ्यूज हो जाए और जाके पेस्ट खरीद ले आपका। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि 90s के टाइम पे ये कहते थे कि टूथपेस्ट के साथ आपको कभी कोयला यूज नहीं करना चाहिए, नमक यूज नहीं करना चाहिए या नीम यूज नहीं करनी चाहिए, और आज यही टूथपेस्ट वाले ये नमक, कोयला, नीम, नींबू सब बेच रहे हैं। और ये नींबू शिम्बू बेच रहे हैं, पेस्ट बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझाना पड़ेगा इनको। यार भैंचो, सारे मिल के हमको पागल बना रहे मादर चोत के बच्चे। Stay ready. Axe Bullet now free with Axe. तो गाइस, अगर आप इंडियन एक्स की माने तो उनके पास हर चीज का सलूशन है। जैसे कि लड़की नहीं पड़ रही, नई चट्टी पहन लो। अगर सर्दी लग रही है तो नई बनियान खरीद लो। अगर फिर भी लड़की सेट नहीं हो रही तो डीओ बदल लो। अगर फिर भी कुछ नहीं हो रहा, अगर आपका बच्चा चूतिया है तो आप उसको बॉर्नविटा पिला दो। अगर फिर भी आपके बच्चे का दिमाग नहीं चल रहा तो शायद हो सकता है वो कॉम्प्लेन भी आइंस्टाइन पर जाए। मगर अगर फिर भी सब कुछ करने के बाद कुछ भी नहीं हो रहा तो आप एक काम कीजिए, आप मेंटोस खा लीजिए, क्योंकि आप तो चूतिए हैं, आपका दिमाग मेंटोस के बिना चलता ही नहीं है। मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे, दिमाग की बत्ती जला दे। हाँ जी, तो अब मैं आपको एक एड दिखाऊंगा, तो आपको उस एड को देखकर गेस करना है कि ये क्या बेचने वाले हैं। शी इज हॉट इंडीड। मुझे छोटी वाली पसंद है। हाँ जी, किया कैसा आपने? नहीं। चलिए आप खुद ही देख लीजिए। सबका वॉल्यूम ऊंचा कर दे, बिल्ट इन एम्पलीफायर वाला गोदरेज डीवीडी प्लेयर। आई लव यू। लायर। नहीं किया ना गैस। चलो दिल छोटा करने की बात नहीं है, मैं आपको एक मौका और दूंगा। चलिए फिर से एक मौका देते हैं आपको। क्या टाइम पास चल रहा है यार। ओ मैडम, थोड़ा जल्दी करो ना, पूरा थिएटर खरीद लोगी क्या? वो लड़की नहीं, लड़का है, बेटा है मेरा। बाल बाल कटवाओ उसके। कैसे बाप हो यार तुम? शट अप, मैं उसकी माँ हूँ। माँ? इस बार भी गलती नहीं किया ना। कोई बात, आप खुद ही देख लो। इतना बड़ा मुंह खोलोगे? नई बड़ी कैडबरी चॉकलेट्स गोल्ड, चॉकलेट का एटम बम। हाँ। तो आपका दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा है, आपको मेंटोस की जरूरत है। बाबा, आप नॉन वेज खा रहे हो? ये वेज नहीं है? ठीक, आपको कुछ समझ में आया? नहीं आया ना, मेरे को भी नहीं आया। चलो देखते हैं है क्या ये चीज। ये सब क्या हो रहा है? जनों, कुछ सवालों का जवाब मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लाईवुड से बनी ये टेबल वाटरप्रूफ है या नहीं, इसका जवाब हमारे पास है। प्लाईवुड से जुड़ा कोई भी सवाल। ओ भाई, मारो मुझे नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इन एड्स को देखकर मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि इनको इन प्रोडक्ट्स को खरीदना क्यों चाहिए। क्या हम इतने बेवकूफ हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना? क्या आप टूथपेस्ट की जगह जाकर शेविंग क्रीम खरीद लेते हैं? नहीं ना। और क्या आप कभी कभी जब अंडरवेयर खरीदने जाते हैं तो क्या आप हैंकी लेके करा देते हैं? नहीं। तो हमें इन एड्स को ध्यान से देखना चाहिए, और जब भी कुछ बाय करना हो या खरीदना हो तो हमें अपना दिमाग यूज करना चाहिए, ना कि टीवी में जो भी देखा है और हम वही खरीदने निकल पड़े घर से। तो इन इररिलेवेंट चीजों को कम देखें और कम अपनाएं, अपना दिमाग लगाएं, और आगे तो आपको पता ही है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो
अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ आपको कौन सी ऐड इरिटेट करती है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।